गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गॉल्गी बॉडी. नाउ गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी अपैरेटस वी कैन से इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गॉल्गी. गॉल्गी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गॉल्गी ने. इज फॉर्म्ड बाय स्टैक्स ऑफ 5 to 8 मेम्ब्रेनस सैक. ओके, यहाँ पे यू कैन सी ये जो है पूरे को बोलते हैं गॉल्गी अपैरेटस. इट इज फाउंड बाय ये जो छोटे छोटे बैग के टाइप दिख रहे हैं, ठीक है, दे आर नथिंग बट गॉल्गी अपैरेटस. दे आर फ्लैटेंड एंड आर कॉल्ड सिस्टरन. यहाँ पे जो ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है ऊपर का हमें, दे आर नोन एज सिस्टर्न. It has two ends, cis phase situated near the endoplasmic reticulum and trans phase situated near the cell membrane. Okay, यहाँ पे इस तरीके से arrangement है. ये जो phase है it is towards the endoplasmic reticulum जो यहाँ पे होता है आगे, and this is ये जो part है it is trans phase, जो पीछे का portion हम बोल सकते हैं it is trans phase, it is situated near the cell membrane. अब इसके functions क्या होंगे? अब ये बैग के टाइप है तो ऑब्वियसली इसका फंक्शन होगा, हम सोच सकते हैं कि इसका ट्रांसफर करने का फंक्शन होगा. इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैक्स मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल. यहाँ पे जो दूसरे जो ऑर्गेनल्स हैं, दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं, वहाँ पे किसी कोई भी सेल को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, ओके, अदर मिनरल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें पैकिंग कहाँ पे होगी? गॉल्गी बॉडी में. तो गॉल्गी बॉडी जो है वो ट्रांसफर करने का काम करता है. इट पैक्स मटेरियल को, वो पैक करने का काम करता है. इट डिलीवर्स सिंथेसाइज मटेरियल्स टू वेरियस टारगेट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड इट फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम को फॉर्म करने में भी हेल्प कौन करता है? गॉल्गी बॉडी. क्यों? क्योंकि उसके पास वो सारे मटेरियल्स, मिनरल्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिससे बना हुआ होता है, ठीक है, तो ये सारे मटेरियल्स जो है वो देने का काम कौन करता है? गॉल्गी बॉडी. सो इन शॉर्ट जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक किसी ने फैक्ट्री ओपन कर ली लेकिन उस फैक्ट्री में जो मटेरियल्स बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन वो उस प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल्स थे वो कौन देगा? वो दूसरी फैक्ट्री या दूसरे शॉप से हमें लेनी पड़ेगी. यस, तो प्रोडक्ट्स कब बनेंगे? जब शॉप से हमको रॉ मटेरियल मिलेगा. वैसे ही यहाँ पे भी सेल कैसे फॉर्म होगा? जब गॉल्गी बॉडी से हमें मटेरियल्स मिलेंगे. लुको भैया गॉल्गी बॉडी एट वर्क. सी दिस इज गॉल्गी बॉडी. यहाँ पे उसके पास सब मटेरियल्स है. यहाँ पे मटेरियल्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ट्रांसफर होते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. ओके, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन के लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो गॉल्गी बॉडी से मिलता है. वेसिकल्स जो दूसरे जो वेसल्स है, दूसरे से जो ऑर्गेनल्स फॉर्म करने में भी गॉल्गी बॉडी हेल्प करता है. लाइजोसोम को फॉर्म करने में भी गॉल्गी बॉडी हेल्प करता है. सो यहाँ पे जो ट्रांसफरिंग का काम होता है वो एक नेटवर्क के थ्रू होता है. दैट मीन्स गॉल्गी बॉडी जो है वो मटेरियल्स को वी कैन से स्टॉक रखता है, मटेरियल्स का स्टॉक रखता है, और वो ट्रांसफरिंग का काम कौन करेगा? फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स. नाउ व्हाट आर लाइजोसोम्स? दे आर स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन सैक फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये अब साइटोप्लाज्म में मतलब सेल में हर एक जगह पे ये प्रेजेंट होता है. फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अकर इन मोस्ट एनिमल सेल्स एंड इन फ्यू टाइप ऑफ प्लांट सेल्स. हेल्प, अब इसके फंक्शंस क्या है? इट हेल्प इन डाइजेस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, प्रोटेक्ट सेल बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स. नाउ स्टूडेंट्स, लाइजोसोम्स जो है इट हेल्प्स इन डाइजेशन. उसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कोई भी फॉरेन मटेरियल हो जो रिक्वायरमेंट नहीं है सेल के अंदर उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है. सेल को बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ओके, नाउ
लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स. सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन एनिमल सेल्स, दे लैक इन प्लांट सेल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है. अब उसको सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? इन डैमेज सेल लाइजोसोम बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स. दैट मीन्स इफ जिस सेल में लाइजोसोम प्रेजेंट है, अगर वो सेल खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से, ओके, व्हाट विल लाइजोसोम विल डू? लाइजोसोम विल बर्स्ट. अब जब लाइजोसोम बर्स्ट हो जाएगा, जब लाइजोसोम बर्स्ट हो जाएगा तो क्या होगा? इसके जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो बाहर निकल जाएंगे. बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा? जो सेल है, एंजाइम्स का क्या काम है? सेल को जो है पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर देता है. कोई भी फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है, वो एंजाइम का काम है. तो ये जब ये बर्स्ट हो जाता है ना, तो क्या होगा? इसके जो एंजाइम्स है वो पूरे सेल को जो है वो खा जाएगा. दैट मीन्स पूरे सेल को ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है. दैट्स व्हाई लाइजोसोम को बोलते हैं सुसाइड सेल. दैट मीन्स बॉडी के अंदर कोई भी एक सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसी इम्यूनिटी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हुई होती है. ओके, तो वो सेल अपने आप ही अंदर ही बर्स्ट हो जाता है. दैट मीन्स वो पूरे सेल, पूरे बॉडी को वो खराब नहीं करता है. एक पर्टिकुलर सेल अगर खराब हो चुका है तो उसी को ही वो डिस्ट्रॉय करके इट विल गो आउट इन द वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट की जगह से वो निकल जाता है. ऑलराइट, दैट्स व्हाई लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइड सेल्स. मतलब वो अपने सेल को खुद ही खा जाता है. नेक्स्ट इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन सैक फिल्ड विद लिक्विड और सैप. ये जो चीज होती है सेल के अंदर उसको बोलते हैं वैक्यूल्स. जो जिसकी साइज तुम देख सकते हो, ठीक है. एंड वैक्यूल्स आर लार्ज एंड मोर इन नंबर. इट मे बी कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल. ये जो वैक्यूल्स है उसकी साइज कभी बड़ी भी हो सकती है, वो कभी छोटी भी कर सकती है. ओके, इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल. एनिमल साइज वैक्यूल्स आर टेम्पररी, स्मॉल इन साइज एंड फ्यू इन नंबर. नाउ व्हाट आर इट्स फंक्शंस? इट स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोर कौन करेगा? वैक्यूल्स. दूसरे सब्सटेंसेस भी वो स्टोर करते हैं इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स. मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल. ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स कभी पानी जो है ज़्यादा हो गया तो उस प्रेशर को मेंटेन रखने का काम कौन करेगा? वैक्यूल्स. स्टोर फूड पार्टिकल्स इन अमीबा सेल्स. अमीबा जो सिंगल मॉलिक्यूलर सिंगल सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है. प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल्स. टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मीन्स कि प्लांट्स को एक जगह पे रखने का काम कौन करेगा? वैक्यूल्स. देयर इज नोन एज टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल्स. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट द पावर हाउस ऑफ द सेल. दैट मीन्स जितनी भी एनर्जी सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से. वी कैन से ये एक टाइप की बैटरी है. ओके, जो हमें जो सेल को चार्ज देती है, जो सेल को एनर्जी देती है. इट इज स्मॉल रॉड शेप ऑर्गेनल्स बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स. यहाँ पे यू कैन सी दो कवरिंग है. दैट इज नोन एज टू मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन और ये जो अंदर जो कर्व्ड शेप्स दिख रहे हैं डिजाइन वाला वो है इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड एनक्लोजेस द कंटेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होता है, कंटेंट को वो पकड़ के रखता है. इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ शेल्फ लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे. यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है. ओके, इनर एक्टिविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स विच कंटेन्स मैनी एंजाइम्स. कंटेंट द ओन डीएनए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी एंजाइमेटिक एक्शंस. तो ये जो है यहाँ पे होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डीएनए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी एंजाइमेटिक एक्शंस. तो डीएनए जो सेल के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है. ओके, और यहाँ पे भी
डीएनए का यूज़ यही है कि वो रेप्लिकेशन का काम करता है। एक ही टाइप के सेल अगर बनाने हैं तो वो उसका काम क्या है, किसका काम है, वो डीएनए का। नाउ व्हाट आर इट्स फंक्शंस, सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी इज नथिंग बट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रिमेंबर अगेन आई एम रिपीटिंग, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये हाई एनर्जी वाले सेल्स होते हैं जो किसके पास होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल्स। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओनली दिस मच फॉर टुडे। ओके, वी स्टडी अबाउट गॉल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स एंड vacuoles. Okay, so remember each and every organelle with its functions. ठीक है, गोल्गी बॉडी का ट्रांसफरिंग का काम है, एंडोप्लाज्मिक भी ट्रांसफर करने का काम करता है। गोल्गी बॉडी इज नथिंग बट एनर्जी पावर ऑफ द सेल, एंड जो लाइजोसोम्स हैं दैट इज नथिंग बट सुसाइडल सेल्स, सुसाइड बैग्स बोल सकते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। All right, thank you.